दुनिया की सबसे अमीर और यूरोप की एक छोटी सी कंट्री लक्समबर्ग, क्या हम भी वहाँ काम करने के लिए जा सकते हैं? किस तरह की जॉब्स हैं वहाँ पे और क्या सैलरीज हैं? वीजा लगने के कितने चांसेस हैं और कितने पैसे लगते हैं? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइफ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लक्समबर्ग किस तरह की कंट्री है। किसी भी कंट्री में हम काम करने के लिए जाते हैं तो उसके बारे में हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी होता है। लक्समबर्ग बहुत ही ब्यूटीफुल और एक टूरिस्ट कंट्री है। जितनी भी जो यूरोपियन कंट्री हैं, आसपास की जो कंट्रीज हैं, वहाँ के लोग जहाँ घूमने आते हैं एज ए टूरिस्ट। लक्समबर्ग यूरोप यूनियन के साथ साथ शेंजन जोन में भी आती है। लक्समबर्ग एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन मैं बता दूं कि अभी के टाइम में लक्समबर्ग दुनिया की सबसे अमीर कंट्री है। तो इसके बाद बात आती है लैंग्वेज की। लक्समबर्ग में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो लक्समबर्ग की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है लक्समबर्गिश, और इसके साथ साथ जहाँ फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज भी बोली जाती है। करेंसी की बात करें, जहाँ जो करेंसी यूज होती है वो है यूरो। बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह जहाँ भी यूरो करेंसी ही यूज होती है। यूरो का जो रेट है वो आपको पता है कि अभी के टाइम में जो रेट चल रहा है, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो 80 से 85 के आसपास रह रहा है। और इस कंट्री की आपको मैं सबसे बड़ी और खास बात बता दूं कि इस कंट्री में आपको अगर घूमना है तो आप फ्री में, जो लक्समबर्ग कंट्री है वो पूरी कंट्री फ्री में घूम सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि जहाँ घूमने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का आपको बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं देना। अगर आप बस में जाते हो कहीं भी लक्समबर्ग के एक कोने से दूसरे कोने में जाते हो, तो तब भी आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं, आप फ्री में ट्रेवल कर सकते हो। और इसके बाद बात करते हैं कि लक्समबर्ग के साथ और कौन कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर्स लगते हैं। तो और जो कंट्रीज के बॉर्डर्स लगते हैं वो है फ्रांस, बेल्जियम और जर्मन। ये जो तीन कंट्रीज हैं, इन तीनों कंट्रीज के बॉर्डर्स लगते हैं लक्समबर्ग के साथ। लक्समबर्ग एक लैंड लॉक कंट्री है। इसका मतलब कि लक्समबर्ग के साथ कोई भी समुद्री तट नहीं लगता। ये तो होगी कंट्री के बारे में बात। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस कंट्री में हमें किस तरह की जॉब्स मिलेंगी और हम किस तरह से जॉब है वो ढूंढ सकते हैं। इस कंट्री में जो आपको जॉब्स मिलने वाली है, जो हाई क्वालिफिकेशन जॉब है, हाई स्टैंडर्ड जॉब होती है, जैसे हॉस्पिटलिटी में ले लो आप, या फिर इंजीनियर की जॉब्स ले लो, होटल लाइन में जितनी भी जॉब्स होती है, उस तरह की जो जॉब्स है वो आपको ज्यादा मिलेंगी इस कंट्री में। हॉस्पिटलिटी में जितनी भी जॉब्स आती है, उसके बाद इंजीनियर लाइन में जितनी जॉब्स आती है, फिर होटल लाइन में जितनी भी जॉब्स आती है, ये जॉब्स मिलने के चांसेस आपको ज्यादा है इस कंट्री में। इन जो जॉब्स की डिमांड है वो ज्यादा है इस कंट्री में। इसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, इसके साथ साथ आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है, तो जो आपको जॉब मिलने के चांसेस है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो नॉर्मल जॉब्स होती है, जितनी भी रेस्टोरेंट में जॉब्स होती है, ड्राइवर्स की जॉब्स होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब्स होती है, वो जॉब्स भी आपको इस कंट्री में जरूर मिलेंगी। थोड़ी सी कम मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी। तो आप इस तरह की जॉब्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जो नॉर्मल जॉब्स होती है, जहाँ हमें क्वालिफिकेशन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, इस तरह की जॉब क्यों इस कंट्री में कम मिलती है, आपको मैं रीजन बताता हूँ। इस कंट्री की जो सैलरीज है वो काफी हाई है। जो नॉर्मल जॉब्स भी आप करते हो तो आपकी जो सैलरीज होगी वो आपको अच्छी खासी इनकम आपकी हो जाएगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जॉब करते हो, डिलीवरी की जॉब करते हो, ड्राइवर की जॉब भी करते हो, तो आपकी जो इनकम है, जो सैलरी है, वो काफी अच्छी होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो आसपास की जो कंट्रीज हैं, वहाँ के लोग भी आके लक्समबर्ग में जॉब्स करते हैं, क्योंकि जो लोकल यूरोपियन लोग भी हैं वो सभी ही एजुकेटेड नहीं होते। तो जो नॉर्मल होते हैं, जो हमारे जैसे लोग होते हैं, वो भी इस कंट्री में आके जॉब्स करते हैं, क्योंकि जहाँ सैलरीज हैं वो अच्छी मिलती हैं। और किसी भी थर्ड कंट्री से जब कोई यूरोपियन कंट्री किसी बंदे को हायर करती है, किसी वर्कर को जब उन्हें हायर करना होता है किसी कंपनी को यूरोप में, तो वो उनको क्या करना होता है कि पहले उनको वो वैकेंसी निकालनी होती है। उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि वो पहले अपनी कंट्री के बंदे को ही हायर करें, या किसी आसपास की यूरोपियन कंट्री के बंदे को ही हायर करें। अगर वहां से उनको कोई नहीं मिलता, फिर वो थर्ड कंट्री से हायर करते हैं, चाहे फिर आप मान लो इंडिया से, पाकिस्तान से, या नेपाल से, इस तरह की कंट्री से वो फिर हायर करते हैं। लेकिन जहाँ पे इस कंट्री में लक्समबर्ग में जो सैलरीज ज्यादा होने की वजह से जो यूरोपियन लोग हैं वो जहाँ काम करना पसंद करते हैं, इसलिए जहाँ जो नॉर्मल जॉब्स हैं वो काफी कम मात्रा में अवेलेबल होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको जो जॉब है लक्समबर्ग में वो जरूर मिल सकती है। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जॉब्स कैसे ढूंढे, लक्समबर्ग में जॉब्स हैं वो कैसे मिलेंगी और कहाँ से मिलेंगी। तो जहाँ जो जॉब्स आपको मिलने वाली है वो काफी इजी वे है कि आपको ऑनलाइन जाके गूगल पे सर्च करने होंगे। जितने भी लक्समबर्ग जॉब पोर्टल है वो आप गूगल पे सर्च करके, लक्समबर्ग जॉब सर्च करके आपको वहाँ जॉब पोर्टल्स मिल जाएंगे। तो वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना सीवी कवर लेटर आप डालेंगे, तो उसके बाद अगर आपको वो कंपनी आपको हायर करना चाहेगी तो वो आपको रिप्लाई करेगी, आपका ईमेल
फेल करेगी तो इस तरह से भी आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। और इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है वो है एजेंट। एजेंट्स जो होते हैं उनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं कि उनको वर्कर प्रोवाइड करने होते हैं कंपनीज को, तो इसलिए वो एजेंट के पास भी जॉब्स आती है, तो वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हर बंदे के मन में होता है कि सैलरीज कितनी मिलेंगी, हमें सैलरीज कितनी मिलने वाली है इस कंट्री में। जैसे मैंने आपको बताया कि इस कंट्री में सैलरीज बहुत अच्छी मिलने वाली है, बहुत ही रिच कंट्री है, तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से आपको सैलरीज भी काफी ज्यादा मिलने वाली है और यूरोपियन कंट्री के मुकाबले। अगर जहां आप नॉर्मल वर्क भी करते हो तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो 2000 यूरो से लेके 2500 यूरो तक आपको आराम से मिल जाएंगे, इतना आप अर्न आराम से कर लोगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो कंट्री है लक्समबर्ग थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अगर ये रिच कंट्री है तो जहां जो चीजें हैं वो थोड़ी सी आपको महंगी मिलेंगी, थोड़ी सी ये कंट्री एक्सपेंसिव है तो आपको जो थोड़े से खर्चे हैं वो ज्यादा होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी सारी सैलरी खर्चों में ही चली जाएगी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और यूरोपियन कंट्री से, लेकिन आप अच्छी खासी जो है आप सेविंग कर सकते हो। इसके बाद बात आती है कि वीजा एक्सपेंसेस, वीजा लगने में कितने पैसे लगने वाले हैं। तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, अगर आप खुद अप्लाई करते हो या फिर एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हो। अगर आप खुद अप्लाई करते हो तो इस कंडीशन में जो आपका खर्चा आने वाला है वो थोड़ा सा कम आएगा। इस कंडीशन में अगर आप खुद अप्लाई करोगे तो आपका जो खर्चा है वो 3 लाख तक आएगा, 3 लाख इंडियन रुपीज के अंदर अंदर आपका जो सारा काम है वो हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन आता है एजेंट। एजेंट के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जो खर्चा आने वाला, जो एजेंट चार्जेस लेते हैं, हर एक एजेंट का जो अलग अलग रेट होता है, लेकिन जो मेजोरिटी रेट चल रहा है, जो अभी के टाइम में एजेंट ले रहे हैं, अभी का जो रेट चल रहा है, एजेंट आपसे 8 लाख से लेके 10 लाख तक ले सकते हैं। इंडियन रुपीस हैं जो 8 लाख से 10 लाख तक वो आपसे ले सकते हैं, थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है। जो 8 से जो 10 लाख तक का जो रेट है ये चल रहा है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो एजेंट का रेट चल रहा है। अगर आप साउथ इंडिया के साइड से हैं, जैसे केरला मान लो या इस साइड से हैं, तो उस तरफ जो एजेंट का चार्जेस ले रहे हैं जो लक्समबर्ग के लिए, वो आपका काम हो सकता है 6 लाख से लेके 7 लाख तक वो एजेंट चार्जेस ले रहे हैं। इसके बाद अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, वीजा लगने के कितने चांसेस हैं। अगर हम इतने पैसे देते हैं, 8 से 10 लाख रुपया दे देते हैं एजेंट को, तो क्या हमारा वीजा लगेगा वीजा नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो लक्समबर्ग कंट्री है, अभी के टाइम में जो इसका वीजा सक्सेस रेट चल रहा है वो काफी अच्छा चल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। आपका जो वीजा है वो 95% तक चांसेस है कि आपका वीजा जरूर लगेगा, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप वीजा के लिए ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई दे सकते हैं कि आपका जो वीजा है वो जरूर लगेगा। उसके बाद बात आती है कि लक्समबर्ग जाने के और वहां रहने के, काम करने के, और लक्समबर्ग के वीजा है वो हमें क्या बेनिफिट्स देने वाला है। लक्समबर्ग में काम करने का जो सबसे बड़ा और पहला बेनिफिट्स है वो है सैलरीज। लक्समबर्ग में जो सैलरीज है वो आपको काफी अच्छी मिलने वाली है, इतनी अच्छी आपको सैलरीज मिलेगी कि यूरोप में किसी और कंट्री में आपको इतनी इजीली इतनी अच्छी सैलरीज नहीं मिलेंगी। तो आपकी जो सैलरीज है वो काफी अच्छी होने वाली है इस कंट्री में। और इसके साथ साथ जो कंट्री है इसमें आपका जो लाइफस्टाइल, अगर आप जहां रहते हो तो आपका लाइफस्टाइल काफी अच्छा हो जाता है। अगर आपकी सैलरीज अच्छी है तो ऑब्वियसली आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी अच्छा होगा। अगर आप अच्छा अर्न करते हो, अच्छा आप अपने ऊपर स्पेंड करते हो, तो आपके जो लाइफस्टाइल है वो अपने आप ही सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा पहले से। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कंट्री है जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, अगर ये कंट्री एक्सपेंसिव है तो उस तरह की जो सर्विसेज हैं वो भी आपको सब मिलती हैं, तो इसलिए आपके जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है इस कंट्री में। और इसके साथ साथ जो थर्ड नंबर पे बेनिफिट होने वाला है आपको इस कंट्री के में आने का, इस वीजा का, लक्समबर्ग के वीजे का, वो है कि आप ऑल ओवर यूरोप घूम सकते हैं विदाउट वीजा। आपको अगर आपके पास वीजा है लक्समबर्ग का तो आपको किसी और यूरोपियन कंट्री का वीजा लेने की जरूरत नहीं है। जितनी भी शेंजन जोन में कंट्रीज आती है, चाहे फिर वो फ्रांस है, जर्मन है, पोर्टुगल है, इटली है, किसी भी कंट्री में आप विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकते हैं अगर आपके पास लक्समबर्ग का वीजा है तो। और फोर्थ नंबर पे जो आपको बेनिफिट होने वाला है, अगर आप लक्समबर्ग में एज ए टूरिस्ट आते हो, एज ए वर्कर आते हो, कैसे भी अगर आप लक्समबर्ग में आ जाते हो, तो आपको जो लक्समबर्ग में आपको ट्रेवल करना है, लक्समबर्ग घूमना है, तो आप फ्री में पूरा लक्समबर्ग घूम सकते हो फ्री में। आपको कोई भी बस की टिकट लेने की जरूरत नहीं है, जहां भी जितनी भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल ही फ्री है लक्समबर्ग के अंदर। लेकिन अगर आपको किसी आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल करना है, लक्समबर्ग के किसी बाहर जाना है, फिर आपको टिकट लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लक्समबर्ग में ही ट्रेवल करना है तो आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में पूरा लक्समबर्ग घूम सकते हो। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन लक्समबर्ग को, वर्क परमिट को लेकर, लक्समबर्ग कंट्री के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी और आपको जरूर हेल्प करेगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। और अगर आपका कोई और सवाल है जिसका आंसर आपको इस वीडियो में ना मिला हो, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम
की जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और वीडियो के ऊपर भी आपको डिटेल्स हैं जो मिल जाएंगी। वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको किस तरह की लगी और वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें सुजेस्ट करें कि आगे आपको किस तरह का कॉन्टेक्ट चाहिए, किस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।